सरहुल, वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव, जब झारखंड का ग्रामीण वातावरण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ जीवंत हो उठता है। कानों में आती मांदर, ढोल और नगाड़ों की गूंज, चारों ओर उत्सव की मादकता, सरई फूलों की खुशबू से सराबोर वातावरण, लाल और सफेद रंगों की पोशाकों में एक लय और ताल में नृत्य करते लोग। सफेद रंग शालीनता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का। ये समय है खुद को प्रकृति के साथ जोड़ने का, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का। पेड़, पौधे, पहाड़, नदी, धरती और सूरज, जिनसे हमारा अस्तित्व बना हुआ है, उसे सम्मान देने का। नमस्कार, मैं मानस रॉय। आज हम झारखंड के सबसे बड़े जनजातीय पर्व के महत्व और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। जब पेड़ के पत्ते अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं और उनका स्थान नई पत्तियां लेने लगती हैं, तब सरहुल मनाया जाता है। विद्वानों का मानना है सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। यहाँ सर का अर्थ है सरई, अर्थात सखुआ या साल के पेड़ के फूलों से होता है, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है। इस तरह सखुआ के फूलों की क्रांति या सखुआ के फूलों द्वारा होने वाली क्रांति को सरहुल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यह पर्व फूलों का पर्व है। संथाल इसे बा परब, उरांव समुदाय इसे खद्दी, खड़िया जाकोर और भूमि जिसे हादी भोंगा के नाम से मनाते हैं। यह झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नए साल का प्रतीक, प्रकृति की पूजा, नए फसल का उपयोग जैसे कई पहलू इस पर्व से जुड़े हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व धरती और सूर्य के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं आदिवासी समाज के नए साल की शुरुआत की निशानी भी है। इस पर्व के बाद नई फसल की कटाई शुरू हो जाती है। सरहुल के बाद ही नई फसल का उपयोग किया जाता है। प्रकृति की पूजा त्योहार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें साल या सखुआ वृक्ष का खास महत्व होता है, क्योंकि इसके फूल से ही सरहुल में पूजा होती है। दिन की शुरुआत में पूजा पाठ जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, वहीं दिन के दूसरे पहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। बिना किसी सामाजिक बंधन, लोकलाज से उन्मुक्त होकर अपने जीवन के दुख तकलीफों को पूरी तरह भुलाकर जोश और उमंग के साथ नाचते गाते लोग आपको जीवन की एक बड़ी सीख दे जाते हैं कि खुश रहना कितना आसान है। सादगी के साथ रहकर भी आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। शायद इसीलिए कहा भी गया है, उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। सरहुल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि साल भर की खुशियों की शुरुआत है। यह त्योहार आदिवासी समुदायों के एक साथ आने और उनकी एकता और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का एक अवसर भी है। सरहुल सामूहिक उत्सव का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक ओर ये लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर एक आदिवासी त्यौहार होने के बावजूद या किसी भारतीय समाज के किसी विशेष भाग के लिए प्रतिबंधित नहीं है। मनुष्य और प्रकृति को एक साथ जोड़ने वाला यह पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अपने में समेटे हुए है।